नमस्कार दोस्तों, देखो आज अपने बात करेंगे 1857 का विद्रोह है, 1857 का विद्रोह। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा था कि 1857 की क्रांति होती है, आपने ये विद्रोह क्यों लिखा है? देखो मुन्ना, अगर मैं यहाँ लिखूँ ना क्रांति, हाँ पहले भी क्या था कि मैं जब क्लास में पढ़ाता था बच्चों को तब मैं भी ये करवाता था 1857 की क्रांति, लेकिन अब इन इस क्रांति को मैंने पिरोया, अच्छी बुकों में जब पिरोया तो वहाँ हर जगह लिखा हुआ था 1857 का विद्रोह। मुना ये क्रांति नहीं थी, ये क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। कैसे हुआ था, क्रांति क्यों नहीं थी, अब ये चर्चा अगर मैं बताने लग जाऊँ तो कम से कम अपना आधा यानी 45 या 30 मिनट खराब हो जाएंगे, तो इससे यानी कोई फैक्ट नहीं पड़ता, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। कभी क्लास में आपको मैं कराऊंगा तब ये बताऊंगा कि विद्रोह क्या होता है, क्रांति क्या होती है, ठीक है? तो आज अपने 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे और ये केवल जो पढ़ेंगे लेवल पढ़ेंगे राजस्थान लेवल की। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान, क्योंकि मांग हो रही थी सर राजस्थान की कराओ। देखो राजस्थान के 1857 की क्रांति व भारत की एक ही जैसी है, बस फर्क इतना है कि अपने यहाँ जो राजस्थान में विद्रोह हुए अपनों को उनको पढ़ना है, लेकिन कारण वगैरह जो होंगे वो सारे एक ही होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि समझा देता हूँ। पृष्ठभूमि सर 1857 की क्रांति की जो पृष्ठभूमि थी ये क्या थी? देखो इसमें आपको दो योजनाकारों के नाम याद करने हैं, मैं करवाऊंगा आपको, मैं कहता हूँ कि आप छोटा चपड़ासी का एग्जाम दे देना और बड़े से बड़ा आरएस का दे देना, क्वेश्चन कन्फर्म है, निश्चय है। अब इसको अपने को बिल्कुल 1857 की क्रांति को, मजेदार टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, आसान टॉपिक है। देखो इस क्रांति के जो योजनाकार थे, योजनाकार वो दो व्यक्ति थे जिसमें से एक का नाम आता है अजीमुल्ला था, ये खान था, है ना, अजीमुल्ला खान। और दूसरा जो नाम आता है वो आता है रंगोजी बापूजी। देखो ये वीडियो थोड़ी क्या है, क्रांति लंबी हो जाएगी, कम से कम 4 या 5 पार्ट बन सकते हैं, लेकिन जो मैंने क्रांति करवा दी आपको फिर कभी क्रांति पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई मर्जी लेवल का एग्जाम दे देना राजस्थान में, ठीक है? अजीमुल्ला खान कहाँ का था सर? ये था बिठूर कानपुर का। बिठूर, और बिठूर कहाँ पड़ता है दोस्तों? कानपुर। और जो अपने रंगोजी बापूजी थे, बापू और सतारा पड़ता था महाराष्ट्र में, बापूजी कहाँ के थे? सतारा के। ये दोनों जाते हैं दोस्तों कहाँ? लंदन। और लंदन में इस क्रांति की तय तिथि करके आते हैं कि हम जो क्रांति है वो कब शुरू करेंगे, 31 मई को। जबकि आपको पता हो तो शुरू कब हो जाती है क्रांति, गुरुजी शुरू हो जाए 10 मई ने मेरठ हूं, 10 मई मैं से मेरठ, क्रांति की तय तिथि करके आए थे 31 मई, जबकि शुरू कब होगी 10 मई। अब कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से याद कर लेना, अभी पृष्ठभूमि बता रहा हूं आपको इसकी, ठीक है? लंदन में गए, तय तिथि कराए, अब क्या हुआ कि जो क्रांति है, क्रांति की इन्होंने जो प्रतीक चिन्ह रखा था, क्रांति का प्रतीक चिन्ह वो क्या था? वो था कमल का फूल और चपाती की निकट आवरो और रोटी ने, है ना? देखो और कई अब मेरे पास फोन करके कह देते हैं, बापड़ा कमेंट कौन करे डर के कारण, का गुरुजी जैसे क्लास में पढ़ाते तो आप ना वीडियो में ऐसे पढ़ाया करो, मुना अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाने लग जाऊं तो फिर अपना टॉपिक ही नहीं होगा, ठीक है? तो कुछ नहीं होता, चलो कुछ क्लास की तरह पढ़ाएंगे लेकिन उसकी तरह नहीं पढ़ा सकेंगे, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको पता है कि लंबा हो गया तो वो रुचिकर नहीं होगा। अब इसकी ये पृष्ठभूमि याद कर लेना आप, और इसके बाद अपने पढ़ेंगे इस क्रांति के कारण, पढ़ा दूँ बिल्कुल आसान है, देखना बिल्कुल। अब चाहिए जो मैं शुरू की बातें बताऊंगा ये तो आपके इंडिया की क्रांति से भी रिलेटिव होगी। देखो क्रांति के अपने कारणों की अगर बात करें तो इसमें अनेक कारण उभर कर आते हैं, इसमें से जो पहला कारण उभर कर आता है उसका नाम है सामाजिक कारण।
क्या नाम है दोस्त? सामाजिक कारण। देखो सामाजिक बिल्कुल आसान है कारण। अब आप क्या है कि पढ़ते हो तब सोचते हो कि गुरुजी कारण कारण याद को नहीं हुए। देखो बिल्कुल याद करा दूँ, बिल्कुल आसान है। सामाजिक, सामाजिक का मतलब यानी हमारे समाज से संबंधित बातें हैं। और समाज से आपको पता हो तो पहले चलती थी एक प्रथा जिसका नाम था सती प्रथा। क्या चलती थी? सती प्रथा। सती प्रथा क्या था? जब पति की मृत्यु हो जाती तो लुगाई जो महिला होती थी उसको क्या है साथ में उसके जलाया जाता था। ये थी सती प्रथा। सती प्रथा पर 1829 में विलियम वेंटिंग ने रोक लगाई थी। विलियम वेंटिंग ने क्या लगाई? रोक। और इसका जो सहयोग दिया था वो दिया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। अब देखो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सती प्रथा पर रोक लगाई 1829, जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में सती प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक लगाई वो किस रियासत पे, तो दोस्तों याद कर लेना किस रियासत पे? बूंदी। किस रियासत पे? बूंदी। किस रियासत पे? बूंदी। सती प्रथा का जो उल्लेख है वो एरन अभिलेख में मिलता है। देखो ये फिर ज़्यादा अपने डीप चले जाएंगे है ना, तो अपने एक बार इतना याद रखो सती प्रथा 1829 विलियम वेंटिंग और राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत पर। आगे चला सामाजिक के बाद अब आ जाओ अपने धर्म पर। अब पढ़ेंगे धार्मिक कारण क्या था क्रांति का। देखो 1813 में आया था चार्टर एक्ट। ये जो एक्ट था ये हमेशा जो है ये 20 वर्ष बाद आता था। कितने वर्ष बाद? थोड़ा सा याद कर लेना एक्ट जो है ये कितने वर्ष बाद आता है? 20 वर्ष बाद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले का गुरु जी कि 1813 से पहला चार्टर एक्ट कब आया, तो इसमें से 20 माइनस कर देना, और इसके अगर बाद पूछे तो भी इससे 20 प्लस कर देना। समझ में आई के? देखो इस एक्ट ने क्या कहा कि जो ईसाई थे उन ईसाइयों को भारत में धर्म प्रचार हेतु छूट दी। अब आप यूं बताओ कि बाहर के व्यक्ति अपने भारत में आके धर्म प्रचार, यानी अपने भारत वाले ये तो धर्म प्रचार कर नहीं रहे और भारत वाले आके धर्म प्रचार करेंगे तो अपने को ये बात सही लगेगी क्या? लठ ले कौन खड़ा हो जाएगा आगे है को नहीं। तो इसलिए एक कारण ये भी कहीं ना कहीं माना जाता है। देखो इतनी बड़ी क्रांति हुई थी तो कारण तो आपको पता है होंगे ही, ठीक है, श्योर सी बात है। तो सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। अब इसके बाद अगर अपने बात करें तो वह है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। देखो दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा मज़ेदार टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना आपको, क्योंकि कई बच्चों को टफ लगता है लेकिन ये टफ टॉपिक नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है और क्वेश्चन निश्चय आएगा आप ही है ना। तो आर्थिक कारण की अगर अपने बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया का जो कंपनी का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि लगान अधिक वसूलना, लगान भारतीयों से क्या करना, अधिक वसूलना। दूसरा इसने क्या किया कि परंपरागत जो उद्योग थे, परंपरागत, उन परंपरागत उद्योगों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। आर्थिक कारण में ईस्ट इंडिया का उद्देश्य लगान अधिक लेना। नंबर दो परंपरागत यानी परंपरागत जो घर वाले उद्योग थे, घर पे जो अपने वो घर चला रहे थे, अपनी व्यवस्था चला रहे थे, उसको भी क्या कर दिया अंग्रेजों ने, नष्ट कर दिया। तो एक आर्थिक कारण भी माना जाता है। इसके बाद अपने बात करें और कारणों में, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारण के बाद जो कारण उभर कर आता है उसका नाम है प्रशासनिक कारण। जी प्रशासनिक कारण क्या था? देखो प्रशासनिक कारण, ये रहा प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण आसान है, बिल्कुल आसान है। प्रशासनिक नाम है प्रशासन का, यानी जो भारतीय थे अपने, इनकी कोई भी प्रशासन में भागीदारी नहीं थी। भारतीयों की प्रशासन में जो भागीदारी थी वो क्या थी भाई? भागीदारी नहीं थी।
भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी नहीं थी। अब इसके बाद कारण असली जो है वो उभरकर आता है, राजनीतिकरण, राजनीतिक कारण। ओ टावरो थोड़ो सो देख लियो, बढ़िया कारण है। नाम सुना होगा डलहौजी का, डलहौजी ने अनेक काम किए, देखो क्या क्या किए, कई बढ़िया भी करियो काम। देखो डलहौजी ने अपना व्यक्तिगत सिद्धांत अपनाते हुए कुप्रशासन का आरोप लगाकर, कुप्रशासन का आरोप लगाकर किसको हड़पा, हड़पा किसको, अवध को। क्योंकि आपको पता हो तो अवध की थी बेगम हजरत महल। इसने कहा कि एक महिला सही ढंग से शासन व्यवस्था प्रणाली चला नहीं सकती, तब इस पर कुप्रशासन का आरोप लगा के अवध को हड़प लिया। अब अवध को हड़पा तो हड़पा, चलो कोई बात नहीं, और अंग्रेजों ने बहुत बुरे काम किए थे। और राजनीतिक कारण में अगर अपने बात करें तो अपना क्रांति के समय जो मुगल बादशाह था वो था बहादुर शाह जफर द्वितीय। देखो प्रथम वो था औरंगजेब का पुत्र जो अजम मुजम के बीच युद्ध होता है, फिर हुआ था है ना, वो था बहादुर शाह प्रथम। अब अपने आगे बात करें कि ये जो क्रांति के समय था ये था बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल काल का राजा भी था। अगर अपने आगे बात करें तो उसको क्या कहा कि आज के बाद तू कोई नाम के आगे बादशाह नहीं लगाएगा, ये भी बात अंग्रेजों ने कह दी थी। देखो ये सारे जो काम है ये मुगलों के ही हैं। अगर मुगल अजमेर दुर्ग में अगर वो लेटर ना फेंकते किसके मुंह पर, सर टॉम्स रॉ के मुंह पर, तो आज भारत के अंदर अंग्रेज नहीं होते। आज्ञा किसने दी थी अंग्रेजों को आने, मुगलों ने दी। अब से भी कौन रहे हैं, मुगल से रहे हैं। मुगलों को बादशाह नाम हटाने से रोक दिया किन्होंने, अंग्रेजों ने। देखो एक अगर वो ना देते फिर भी अंग्रेज तो कैसे ना कैसे, क्योंकि अंग्रेजों के पास हथियार आधुनिक तकनीकें बहुत थी, वो फिर भी भारत में आ जाते वो है ना। तो डलहौजी को प्रशासन का आरोप लगा के अवध को हड़पा। आगे अपने बात करें कि इस डलहौजी ने ही गोद निषेध प्रथा शुरू कर दी, गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा का मतलब था कि कोई राजा है जिसकी संतान नहीं है वो अपना अपने वंश को किसी के और का पुत्र गोद लेकर नहीं चला सकता। ये बात किसने कही, डलहौजी ने कही। अब क्या हुआ कि गोद निषेध प्रथा के तहत अनेक राज्य हड़पे गए, और वो राज्य कौन थे, एक क्वेश्चन बड़े लेवल के एग्जाम में पक्का कंफर्म आएगा ही आएगा। जैसे अपने बात करें स्कूल टीचर की बात करें, आरएस की करें, इसमें से एक क्वेश्चन निश्चय ही आएगा। देखो गोद निषेध प्रथा, गोद निषेध प्रथा के तहत हड़पे जाने वाली जो पहली रियासत थी उस रियासत का नाम था सतारा, सर दूसरी जैतपुर, सर तीसरी थी संबलपुर, सर चौथी सतारा जैतपुर संबलपुर उदयपुर झांसी नागपुर, ये अनेक रियासतों को हड़पा गया था। देखो सतारा को हड़पा 1948 में, ये याद हो तो कर लेना, बाकी कोई जरूरी नहीं है, आप इतना याद कर लेना गोद निषेध के तहत हड़पे जाने वाली रियासतें कौन कौन सी थी, तो सतारा जैतपुर संबलपुर उदयपुर झांसी नागपुर। जैतपुर और संबलपुर को हड़पा 1949 में, उदयपुर को हड़पा 1952 में, और झांसी व नागपुर को जो हड़पा गया था वह 1954 में। क्लियर, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना गोद निषेध के तहत हड़पे जाने वाली पहली रियासत कौन सी थी प्रिय दोस्तों, कौन सी थी, सतारा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी। अब आगे देखो राजनीतिक कारण के बाद आगे अपने राजनीतिक कारण में ही देखते हैं। फिर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था वेलेजली, वो लेकर आया था आपको पता हो तो सहायक संधियां। अब संधि भी दो प्रकार की थी। देखो मैं कह रहा हूं आपको, मैं क्रांति करवा दूं, राजस्थान लेवल के कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, आपका क्वेश्चन गलत है नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना इसको थोड़ा। अब देखो कोई चीज़ अगर कराता है ना, कोई व्यक्ति अगर कोई मैटर करवाता है ढंग से, तब कि बच्चों को वो बोर सा लगने लग जाता है। अब थान ठा के चाहिए, ऊपर ऊपर करा दो और रोड़ गदोल कर दे सिस्टम, था ना बहुत चाहिए।
लेकिन मैं कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कंफर्म होते हैं, वो टॉपिक मैं गहरे दिन से करवाऊंगा, ठीक है। देखो राजनीतिक कारण की अगर अपने बात करें तो एक तो अपनों ने पढ़ लिया डलहौजी वाला, डलहौजी के सिद्धांत पढ़े। दूसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? संधि। संधि भी दो तरह से हुई थी कि हाँ गुरु जी, एक तो हुई थी सहायक संधि और एक हुई थी अधीनस्थ पार्थक्य सहायक संधि। अधीनस्थ पार्थक्य सहायक संधि, देखो दोनों में ही दोनों के क्वेश्चन आए हुए हैं, सहायक संधि और अधीनस्थ पार्थक्य सहायक संधि। सहायक संधि का जनक माना जाता है विलेजली, विलेजली। और अधीनस्थ जो सहायक संधि लेकर आया था, ये लेकर आया था चार्ल्स मेटकॉफ, मेटकॉफ। अब ध्यान से सुनना इसमें क्या था। सहायक संधियों में यह तय हुआ था कि राजा महाराजाओं के साथ कि हमारे जब मुसीबत आई तो आप काम आओगे और आपके जब मुसीबत आई तो हम काम आएंगे, यानी दोनों हाथों ताली बजावांगा, ठीक है। ये तय हुआ था संधि के अंदर। अब याद ये नहीं पूछता कि क्या तय हुआ था, पूछेगा ये कि सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी और अधीनस्थ सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी। तो देखो सहायक संधि करने वाली जो पहली रियासत थी उस रियासत का नाम था भरतपुर। भरतपुर का जो राजा था, देखो अंत में खत्म कहां हो रहा है, भरतपुर रह 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 से याद कर लेना, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने की थी क्या भाई, सहायक संधि किसके साथ, विलेजली के साथ। क्वेश्चन आरएस फ्री में आया था अभी ये, और उधर वाले विषय भी आया था मेटकॉफ वाला। अधीनस्थ संधि का जनक किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, मेटकॉफ, और सहायक संधि का जनक विलेजली को। भरतपुर में रणजीत सिंह के समय, और ये हुई कब थी सर, ये हुई थी मुना 1803 में, जबकि सहायक संधि जो है ये है भारत की, अगर पूछ ले अपने से भारत में कब हुई थी, तो भारत में ये हुई थी मुना 1798 में, 1798 में जो रियासत थी उस रियासत का नाम था हैदराबाद, और हैदराबाद का जो राजा था वो था निजाम अली, निजाम अली प्रथम। भारत में हैदराबाद, राजस्थान में भरतपुर, भारत में राजा निजाम, राजस्थान में राजा रणजीत सिंह, ठीक है। अब बात करा सहायक संधि लेकर कौन आया, मेटकॉफ। जबकि इन सहायक संधियों को जो शुरू किया था, शुरू वो किया था दोस्त एस्टिगस ने, एस्टिगस। और आपको पता हो तो ये जो एस्टिगस था ये भारत का, सॉरी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी रह चुका है। कौन? एस्टिगस। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन था? एस्टिगस। इसने अधीनस्थ संधियों को शुरू किया, जबकि लेकर कौन आया था? मेटकॉफ। आगे देखो, आप पसीना ना आए ना, जब तक पढ़ाने का आनंद नहीं था, पढ़ाने का आनंद यह बात है। अब थोड़ा सा किया कि पढ़ा दूं, लेकिन वीडियो आगे लंबी जा रही है, लेकिन फिर आप देखोगे नहीं, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, रुचि कर नहीं रहेगी। और थोड़ा सा क्या है कि वीडियो में कमेंट कर दिया करो रहे थे तो गूंगा हो जमाई, बता दिया करो कैसे लग रही है, सर ऐसे नहीं आ रहा, इस तरह से समझाओ ऐसे समझ आएगा, थोड़ा सा पता लग जाए, और ऐसे भी पता लग जाए कि कितने लोग ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी आ गई, उसके लिए भी मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इंडिया जेके की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा कमेंट में बता दिया करो आप कि सर ये करवाओ हमें, और सर मा करो ना टावरो, लिख दिया करो कि सर इस टॉपिक कल ये टॉपिक करवाया जाए क्रांति के बाद, आग लगा देंगे मार्केट में, देखना अपने, बस थोड़ा सा आप सहयोग दे रखो। अब देखो अधीनस्थ पार्थक या सहायक संधि की अगर बात करें तो सबसे पहले ये जो संधि की गई थी ये की गई थी करौली के साथ। कब की गई सर? 1817 का बाद क्या हुआ? 1818। और एक याद कर लेना 1823, बस इतना ही याद करना। सबसे पहले की गई करौली के साथ। करौली का जो राजा था उस राजा का नाम था हरवक्षपाल, हरवक्षपाल। करौली की सहायक संधि करने वाला राजा कौन था? हरवक्षपाल। तो अधीनस्थ पार्थक्य सहायक संधि करने वाली पहली रियासत करौली, पहला राजा हरवक्षपाल, कब हुई? 1817 में। और 1818 में शेष रियासतों ने अधीनता स्वीकार यानी सहायक संधि के लिए तैयार हो गई थी, जितनी भी राजस्थान की शेष रियासतें थी लगभग।
अगर देखो अब कुछ इसमें फैक्ट आएगा वो थोड़ा सा ध्यान रखना। पहली बात तो 1818 में शेष रियासत, अगर इन शेष रियासतों में भी आपसे पूछ ले कि सर्वप्रथम किसने की, तो कैसे याद कर लेना, कैसे करौली और कैसे याद कर लेना कोटा। बाकी 1818 में लगभग 90% मानो अपनी शेष रियासतों ने अधीनता मान ली थी। और अंतिम जो ये पटवार में आया हुआ है, अंतिम रियासत सहायक संधि करने अधीनस्थ सहायक संधि करने वाली कौन सी थी, तो उस रियासत का नाम था सिरोही। क्या नाम था? सिरोही। सह से सिरोही और सिरोही का जो राजा था उस राजा का नाम था शिव सिंह। अंतिम संधि करने वाला राजा भी शिव सिंह, रियासत सिरोही। और कब हुई? 1823। तीनों के तीनों को सुनाए हुए हैं। क्लियर? अब ये क्लियर हुआ तो आगे चला चला के देखो। अब पढ़ेंगे दोस्तों सैन्य या तात्कालिक कारण। बस अंतिम और लास्ट कारण बच गया, सैन्य व तात्कालिक कारण। देखो देखो टावरो, इतो समझ में आ गयो के था ना? हाँ गुरु जी, माना बढ़िया तरीके से समझ आ गयो साची। हाँ देखो, तो अब पढ़ांगा आपा सैनिक कारण, सैन्य या इसे कह सकते हैं तात्कालिक कारण। ये सैन्य जो तात्कालिक कारण था, इसकी आपको मैं स्टोरी नहीं बढ़िया बताऊंगा, लेकिन ये अगर स्टोरी ढंग से पता करनी है कि सैनिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, तो इसका नेक्स्ट भाग लेकर आऊंगा। अगर इसमें पढ़ा दी तो भैया वीडियो जाओगी लगभग ना ना करते 40 मिनट की चली जाएगी। तो अपनी फिर आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो जो सैनिक या तात्कालिक कारण है वो पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और इसको ढंग से कर लेना, ठीक है? और इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हैं, वो मैं आपको ये टॉपिक होते ही वहाँ उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल है अपना, ऐड हो जाना जो विद्यार्थी नहीं जुड़ा हुआ, GK बाय अजय सर। और जो विद्यार्थी, जो प्रिय विद्यार्थी इस चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे ऐसी ही इसी तरह जानकारी मिलती रहे आपको, है ना, वीडियो की। तो तब तक के लिए जय हिंद।